वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटू को ढेर सारा प्यार बड़ों को प्यारी पौना जी गाइस टाइम हो रहा है 3 आज का ब्लॉग हमारा शुरू हुआ है 3 बजे क्योंकि हम सो के उठे 12:30 बजे इसलिए अपलोडिंग भी लेट हुई है ब्लॉग भी लेट बना है और शुरू भी लेट हुआ है और फिर मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं बस अब इनको खाना वाना दिया क्योंकि वो पहुंची 2 बजे थी खाने का टाइम था मम्मी ने यही खाना नहीं खाना कोई नहीं चाय बना लिया मैं कहना खाने का टाइम है खाना खाए बिना तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे तो बस उनको खाना वाना बना कर दिया रोटी वगैरह दी तो वो खाना खा के हटी हैं और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम 3 बजे से अब पता नहीं क्या बनेगा कितना बनेगा आई डोंट नो और आज थोड़े बाजार के काम भी हैं एक छोटा सा कूलर भी उठा के लाना है और कूलर चलाएंगे क्योंकि बिजली के बिल 5,500-6,000 इतने इतने बिल आ रहे हैं तो थोड़ा सा चाहते हैं कि बिजली के बिल घटे कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन मिले और आज काम वाली आंटी छुट्टी पे है टिंग टोंग कल वो मुझे बता गई थी कि मीनू मैं कल छुट्टी पे होंगी तो बर्तन ये ढेर लगे पड़े बस हार्डली आधा पौना घंटा दैट्स इट तो चलिए अब ब्लॉग शुरू करते हैं और देखिए ये ब्रूनो यहाँ आके मस्तियाँ शुरू कर चुका है दाव लगा रहा है आरोप पे ये भागा तो आज का ब्लॉग है हमारे यहाँ आपके साथ ये देखिए बर्तनों का ढेर कुछ ज्यादा नहीं है बस इतना सही है जो ढेर लगा पड़ा है बाकी स्लैब वगैरह सब बिल्कुल साफ है एकदम टिंग टोंग वेलकम बैक गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 4:30 मेरा सारा काम खत्म और ये हालत देखो जरा ये सब पसीने से हालत हो रही है मौसम पता नहीं कब सुधरेगा दिमाग खराब हो गया मेरे हस्बैंड और बेटा भी गए हैं मम्मी के यहाँ पे कूलर उठाने अभी मैं 2-3 दिन उसको रख के देखूंगी मैंने ही इनको सजेस्ट किया कि वहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो ले आओ क्योंकि जब ट्यूशन के बच्चे नहीं हुआ करेंगे तो हम आरब और मैं होते तो हम एसी की जगह कूलर चलाएंगे और जब तुम आ जाओगे तो फिर एसी चला लेंगे मतलब एसी को थोड़ा सा कट आउट करना चाहते हैं कट ऑफ करना चाहते हैं कि जब नीड हो तो चलाओ जब नहीं है तो मैं अकेली हूँ तो एसी क्यों चलाऊँ कूलर चला लूँगी दैट्स इट तो मुझे गर्मी लगती भी बहुत है आपको पता ही है तो बस अभी आते हैं तो यही टेबल जो पड़ा है यहाँ पे वेट ये देखिए टेबल दिख रहा है ना आपको जहाँ ब्रूनो लेटा है इस टेबल पे वो कूलर आ जाएगा कूलर लेने गए हैं मैं बार बार एसी बोल रही हूँ कूलर लेने गए हैं और वो कूलर छोटा ही है ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आराम से सेट हो जाएगा टेबल के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से लेकर आएँ और देखें अगर सेट आउट हो जाएगा तो हम रख लेंगे अपने पास अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मम्मी को वापस दे आऊँगी तो चलिए वेट करते हैं और थोड़ा सा पसीना सुखा लें बहुत गर्मी है गाइस ये देखिए ये वाला कूलर लेकर आए हैं और ये टेबल पे सेट हो गया और छोटा सा ये कोई ज़्यादा स्पेस नहीं घेरा हुआ और ये रिलायंस से सामान आया आई डोंट नो अच्छा बीकानेरी भुजिया जो बहुत स्पाइसी है जो मैंने नहीं खानी नेक्स्ट मेरे लिए क्या है अच्छा ये क्रैक जैक बिस्किट ये कौन से हैं मैकविटीज़ हाँ ये मैं खाती हूँ ये भी मैकविटीज़ आमंड बिस्किट ठीक है और दिखाओ और जल्दी 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 हाँ मूँग दाल ये मैं खाती हूँ चाय के साथ बड़ी टेस्टी लगती है ये तो अरब का है गेटोरेड ये मेरा नहीं है और ये भी मेरा नहीं है ब्राउन एंड पॉल्सन कॉर्नफ्लेक्स ठीक है पान पान पंसारी ओ ये चूसने वाली गोलियाँ दैट आई लव इट ये मेरे मतलब का है और ये मम्मी ने आलू बुखारे भेजे हैं चलो ठीक है और तू दिखा तेरा कॉम्प्लेन का है प्लेन फ्लेवर चॉकलेट वाला नहीं है ना आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय और इसके साथ यहाँ ये छोटा सा टिफिन ब्रेड सैंडविच के लिए फ्री मिला है वाह फ्री की चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कॉम्प्लेन तेरा फ्री वाला टिफिन मेरा है यार मैं कह रहा सीक्रेट हो जाए तो गाइस ये सामान अभी आया है और ये कूलर आया तो मैं मेरे को ना हो रहा है कि कूलर पानी भर के थोड़ी देर चला के देखे मेरे हस्बैंड मेरे को कह रहे सबर नहीं है इसको बिल्कुल नहीं है एक्चुअली नहीं है पर सबसे पहले मैं ना ये वाली गोली चूसूंगी आई मीन खाऊंगी क्या बोलते इसको पान पर पान बनारसी तो पहले ये खाते बाद में काम करते हैं गाइस अभी है रात का टाइम और आज मैंने सारा दिन मेकअप नहीं लगाया बिल्कुल भी नहीं मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं घर पे होता हूँ ना ज़्यादा मेकअप लगा कर मुझे बिना मेकअप के तो ज़्यादा अच्छी लगती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट मैंने कहा चलो आज मैंने बाहर कहीं जाना नहीं है मेकअप चेकअप रहने ही देते हैं खाली लिपस्टिक चल रही है और आज ये बना रहे हैं स्पेशली मेरे लिए ना पक्का ना कन्फर्म्ड लेमन चिकन क्योंकि इसमें मसाले नहीं है लाल मिर्च काली मिर्च वगैरह कुछ नहीं है बटर में बन रहा है दही में बन रहा है तो आई कैन हैव इट फॉर श्योर तो मैं आपको दिखाती हूँ शक्ल इतनी ज़बरदस्त है कि देख के ना मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है देखिए गाइस ये देखिए ये बन रहा है लेमन चिकन पूरा दही और बटर के अंदर तो मैं तो आज दबा के खाने वाली हूँ इसको सॉलिडली और ये देखिए ये कंटेनर्स लेकर आए हैं ऐसे 3 तो ये डिब्बिया हमारी ना ख़राब हो गई थी माइक्रोवेव सेफ है तो कुछ भी गर्म करना हो तो हम इसको आराम से इसमें रख के यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव में तो आज एक काम इन्होंने ये भी कर दिया तो ये कितनी देर में बन जाएगा 2 सीटी में हमारा लेमन चिकन रेडी गाइस मेरे हस्बैंड ने तो अपना रसोई का डिपार्टमेंट कर लिया कंप्लीट और अभी कुकर में प्रेशर है तो मेरा काम है फिल्टर में बर्फ डालना और उसके बाद ये झाड़ू जैसे बाल बांधना एक्चुअली बाल ना सूखे नहीं है आज
काफी गीले हैं, शाम को नहाई थी तो अभी बस ऐसे ही है, तो मैंने खोल के रखे हैं कि सूख जाए। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कूलर मम्मी के वहां से मंगवा तो लिया लेकिन मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कूलर के साथ पंखा चलाना पड़ता है और उसमें ना चिप 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 बड़ा हो रहा है, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, पसीना और चिपचिपाहट से मुझे बड़ी घबराहट शुरू होती है। तो अगर मुझे एक दो दिन में ये नहीं लगा ना सही कि भैया हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब मैं कर लूंगी एडजस्टमेंट, तो मैं तो इसको हटा दूंगी। इतना पहले अंदर रखो, फिर बाहर करो, फिर पानी भरो, ये फालतू का डंडा नहीं करूंगी मैं अगर मुझे सही नहीं लगा तो, बिल बचाने के चक्कर में। क्योंकि यही एक दो महीने, दो तीन महीने होते हैं जो बिल इतना आता है, अदरवाइज इतना बिल नहीं आता। तो अगर ठीक लगा तो फॉर श्योर मैं इसको रखूंगी अभी गर्मी गर्मी तक, नहीं लगा तो फिर मैं वापस दे दूंगी। तो चलिए अभी मैं फिल्टर में बर्फ डाल लूँ, ये रहा बर्फ का डूंगा, इसको निकाल के तोड़ते हैं और डालते हैं फिल्टर में बर्फ। गाइज आपको मैं लेमन चिकन की शक्ल दिखाती हूँ, और मैंने जिसमें मेहनत वाला काम किया वो है एडिंग ऑन कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी ऐड करना बहुत मेहनत का काम होता है, वो मैंने किया है। और चिकन लेमन बहुत टेस्टी बना है, मैंने टेस्ट भी कर लिया, एक कटोरी में खा चुकी हूँ। कल ट्यूसडे, कल तो बिल्कुल नहीं खाना, और बचेगा ही बचेगा तो परसों फिर खाया जाएगा। तो चलिए गाइज ये देखिए, गाइज ये देखिए मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड ऑन कर दी है और ये बहुत टेस्टी बना है। इसमें कॉर्नफ्लावर, लेमन और दही, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डालकर इन्होंने बनाया है। नमक मिर्च वगैरह बहुत लाइट है, मतलब नमक तो है, रेड चिली वगैरह कुछ नहीं है। तो ये कसूरी मेथी डालने के बाद शक्ल अच्छे से निकल आई है और बहुत टेस्टी दिख भी रहा है और बना भी है। तो अभी ये रोटियां बनाने का टाइम। ये दही निकाल लिए मैंने ब्रूनी के लिए, ये आटा, तो चलिए आटा गूंदा पड़ा है और रोटियां बनाते हैं पतले पतले फुलके। अब आज ज़्यादा कुछ किया नहीं आज सच, काम घर से बाहर निकले ही नहीं, घर पे ही रहे सारा दिन, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं निकली आज फाइनली। और मेकअप भी नहीं किया तो इसलिए बिना मेकअप के ब्लॉग बना लिया। तो चलिए अब मैं करती हूँ गुड नाइट, टाटा बाय बाय। कल आरफ का स्कूल, टाइम पे सोना है और तबीयत उसकी ठीक है, पहले से दवाई मैं ले आई थी मेडिसिन, क्योंकि उसको भी बुखार चढ़ रहा उतर रहा था, वायरल था, तो आज काफ़ी ठीक रहा। स्कूल में जो काम एक ही हुआ था आईटी का, सारा दिन में सिर्फ एक काम हुआ वो करवा दिया गया। चलिए अब करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। एंड लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव बट वी आर द फाइटर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।